स्केच बेसिक हम देख रहे थे पिछले वीडियो में कि बेसिक स्ट्रोक्स को कैसे प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप सबने प्रैक्टिस किया होगा। अब उसके आगे देखते हैं। हमने देखा बेसिक स्ट्रोक्स लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप और सर्कल, और एक बार इस तरीके से। अब अगला स्टेप है इन बेसिक स्ट्रोक्स के साथ हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि थर्ड या फोर्थ क्लास में जो ड्राइंग की बुक होती है उनमें ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए जाते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। अब इन बेसिक स्ट्रोक्स के साथ आपका जो चैलेंज है वो ये, बिना पेंसिल को उठाए स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना। ये जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, ये आपको पता ही है कि रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, साइड्स बराबर होती है, और स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है। तो आपको अनुमान लगाना है, किसी स्केल का नहीं प्रयोग करना और ना इरेजर का, बस एक बार में ही ड्रॉ करना है। आप छोटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क्वायर वाली फीलिंग जब तक नहीं आ जाती तब तक आपको ये प्रैक्टिस करना है। और जो बेसिक जो शेप्स हैं वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब का आपको प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके उतना बड़ा बनाइए। स्केचबुक नहीं यूज़ करना है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आपको न्यूज़पेपर का यूज़ करना चाहिए। एक बार आपने इस तरह से बनाया स्क्वायर, तो एक बार उस प्रोसेस को रिवर्स करिए। मतलब एक ही बार में बनाना है आपको, पेंसिल को उठाना नहीं है। एक बार आपने रख दिया तो ये स्क्वायर बनना चाहिए, लगभग स्क्वायर जैसा होना चाहिए।